हेलो एवरी वन, वेलकम टू एम्बाई। भाई सभी का स्वागत है। आज जो है, सबसे पहले तो मैं आप लोग, जैसे कि देख सकते हो टाइटल में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर CDS 1 2024 एग्जाम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत आप लोगों को एडवांस में शुभकामनाएं कि आपका पेपर जो है वो जबरदस्त हो दोस्तों। बहुत अच्छे से आप लोग पेपर को करके आए, उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से मेरी तरफ से दुआएं और शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर को करके आइए, बिल्कुल शांत होके जाइए, रिलैक्स होके जाइए और पेपर को करके आइए दोस्तों। CDS का, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो GK हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तीनों पेपर्स बहुत अच्छे से आप लोग करके आइएगा। अब यहाँ पर आज मैं जो आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने के लिए आया हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट द मैथ्स पेपर, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। द मैथ्स पेपर, तो मैथ्स पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छे से आवाज सबको अच्छे से आ रही है मेरी? वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर मैं बातें करूंगा कि मैथ्स पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले, एक तो आप लोग जो है बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होके बैठिए मैथ्स के सामने। कि जैसे बोलते थे ना कि बाली जो था उसके सामने आते ही आधी शक्ति चली जाती थी लोगों की, तो आप भी ऐसे ही बोलो, ऐसे बन के बैठो बिल्कुल बाली की तरह, कि आधी शक्ति जो है मैथ्स के पेपर की डाउन हो जाए आपके सामने। ऐसे बनकर बैठो, एटीट्यूड वही होना चाहिए। मतलब एटीट्यूड देखकर आपको, लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये करके आएगा अच्छा सा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करके जाओ पहले। तो खुद ही अगर कन्विंस्ड नहीं हो कि मैं कर सकता हूँ तो फिर कहाँ से होगा, खुद कन्विंस्ड रहो सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए आपको टफ क्वेश्चंस में उलझना नहीं है। डोंट डोंट स्टक इन टफ क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस में उलझना नहीं है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, टफ क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं उलझना है, ये अच्छे से लिख लेना। टफ क्वेश्चंस में उलझना नहीं है, उलझना नहीं है, अटकना नहीं है। कोई भी टफ क्वेश्चन दिखा, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ा, नहीं बैठेगा, छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि वहां पर आपको 40-50 भी सही कर दिए तो कट ऑफ तो क्लियर हो ही गई ना दोस्तों, ठीक है। 40 से भी कम नंबर में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, 25-30 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ जाती है, 30 नंबर। तो आपको 30 नंबर तो वैसे ही ला सकते हो। आप थोड़ा बहुत अरिथमेटिक अगर आपको आता है, आप ढूंढो, सबसे पहले अरिथमेटिक को ट्राई करो। अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है सबसे पहले उसको आप टारगेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तीसरी बात मैं यहाँ पर लिखूं तो अरिथमेटिक को टारगेट करो। अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक को टारगेट करना है आपको पूरा, ठीक है। 25-30 क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं, एक तो ये आपको निपटा देने हैं, इसको छोड़ना नहीं है अरिथमेटिक में। इसमें क्या क्या आता है अरिथमेटिक में? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा SICI आता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एवरेज आता है, मिक्सचर्स आता है दोस्तों, ये सब चीजें अरिथमेटिक में पूछी जाती है। तो इसको टारगेट करो, ठीक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। अरिथमेटिक को ढंग से आपको टारगेट कर लेना है। इसके सबसे पहले 25-30 क्वेश्चन निपटा दो जो भी है। हो सकता है आपका लक अच्छा हो, 40 क्वेश्चन भी आ जाए, 35-40 भी आ जाए, एडवांस कम आ जाए। वैसे एडवांस को ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद आप लास्ट में एडवांस करो, लास्ट में आप एडवांस के क्वेश्चंस करो, एडवांस को लास्ट में लो आप। अगर मान लो किसी का एडवांस बहुत ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अर्थमेटिक से ज्यादा अच्छा है, तो आप वो लो। स्ट्रॉन्ग एरिया को पहले करना है मतलब आपको, और मोस्टली अर्थमेटिक जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया होता है दोस्तों। तो लास्ट में एडवांस जब आप करोगे तो उसमें एलजेब्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले फिनिश करो, ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। और इसके साथ नंबर सिस्टम, नंबर को भी मैं एडवांस में ले रहा हूँ, नंबर सिस्टम। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको ढंग से फिनिश करना है, इनके क्वेश्चंस आपको करने हैं। नंबर सिस्टम बहुत काम का है दोस्तों, तो इन तीनों को आप लोग सबसे पहले करोगे। और फिर आपको अगर कुछ आते हैं तो
ठीक है, ये लास्ट अब लिखता हूँ मैं, लास्ट लास्ट में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत? तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपको सबसे लास्ट में करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले अर्थमेटिक को फिनिश करना है, उसके बाद एडवांस में एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ज्योमेट्री मेंसुरेशन लास्ट में करना है, ठीक है? और फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो ही आपको नंबर मिलाएंगे। ऐसा वहां पर कुछ भी अलग नहीं होने जा रहा है कि आप वहां जाकर एकदम से ही आप जो है शक्तिशाली शक्तिमान बन गए हो और आज तो आप जो है ज्योमेट्री मेंसुरेशन को उड़ाए जा रहे हो। बस ये लो जी, अब तक तो बिल्कुल नहीं आता था, आज पता नहीं मेरे में क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वहां पर जो है आपको जो टॉपिक अच्छे से करके गए हो वही आप अच्छे से कर पाओगे दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग उन चीजों में उलझो ही मत ना, हम वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, ना कि क्वेश्चनों में उलझने, हम जितना ज्यादा कर सकते हैं करके आ रहे हैं। तो वहां पर आप उलझो मत, सॉल्व करके आओ जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात है। तो फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उन्हीं पर ज्यादा आपको फोकस करना है, ज्यादा उन्हीं को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये अपनी बात हो गई यहाँ पर आपके पेपर को अटेम्प्ट करने की। कट ऑफ जो है आपकी, कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट 30 के आसपास कट ऑफ रहती है, ठीक है? तो 50 तो मिनिमम करके आओगे, 50 40, 50 क्वेश्चन तो करोगे, गलत भी तो होते हैं कुछ क्वेश्चन, तो 40 50 से कम तो कोई करता ही नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा वो भी 40 50 तो अटेम्प्ट करेगा ही ना दोस्तों, उससे कम करना भी नहीं है। एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं कि मैं पूरे 100 ही कर दूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको एक्यूरेसी से करना है जो भी है, वहाँ पे स्कोर तो बहुत ज्यादा मायने तो रख रहा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही नंबर लाने हैं आपको। कट ऑफ क्लियर करनी है अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो स्कोर अपने आप आएगा, आपको कोई रोक ही नहीं सकता उसमें, लेकिन कट ऑफ क्लियर करना सबसे पहला काम है। और मैं बता रहा हूँ ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही पेपर अच्छा होगा। पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो बस, ठीक है? पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट मिलकर आप लोग जो है आप आसानी से इस पेपर को सॉल्व करके आ सकेंगे, अटेम्प्ट कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग जो है आज का सेशन मैं इतना ही रखता हूँ आप लोगों के साथ। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को, आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर CDS 1 2024 एग्जाम, आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इस एग्जाम को करके आना। और जो देखो मैंने आपको अभी तक जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, स्पेशली अर्थमेटिक में जो भी ट्रिक्स हैं, नंबर सिस्टम में जो भी यूनिट डिजिट की ट्रिक्स हैं, ठीक है, उनको सबको रिवाइज कर लो आज अभी, जो भी कर सकते हो आज। केवल फॉर्मूले रिवाइज करो आप, जितने फॉर्मूले आज अभी आप रिवाइज कर सकते हो वो आप लोग रिवाइज करो दोस्तों, ठीक है? उसके बाद ही आप लोग जो है सारी चीजों को करो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से ये भी बता देता हूँ, अगर मान लो आप CDS के एग्जाम के बाद इंटरेस्टेड हो, एम्बाइब सिंपल आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। एम्बाइब सिंपल का मतलब है सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड आपको एग्जाम्स मिल जाएंगे दोस्तों। चाहे आप अगर SSC की भी तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, या फिर बैंकिंग की कर रहे हो, सारे एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कूबो लेसन्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, 1.5 मिलियन से ज्यादा प्रैक्टिस एंड टेस्ट मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस, अचीव जर्नी आप अपनी सेट कर सकते हैं, 60+ लाइव क्लासेस डेली हैं, डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम मिलेगा, एम्बाइब लर्न में आपको 70,000 से ज्यादा वीडियोज आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये सब चीजें आपको मिलती है एम्बाइब सिंपल में। बात समझ में आ रही है? इनके आप लोग प्राइसेस वगैरह आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेना, देख लेना, और ऑफ भी मिलेगा आपको 1 साल का अगर आप कोर्स लेते हो एम्बाइब अचीव अनलिमिटेड, तो उस पर आपको ऑफ भी मिलेगा दोस्तों। तो आज तो मैं कुछ ज्यादा आपको इन चीजों के बारे में आप लोगों को पहले भी रोज बता रहा हूँ मैं, और 7 दिन का फ्री ट्रायल है, आप लोग 7 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं एम्बाइब ऐप को, मतलब आप अच्छे से यूज करेंगे ना, जो लोग भी मतलब आगे भी अपनी कंटिन्यू तैयारी रखना चाहते हैं और भी एग्जाम्स जो है क्लियर करना इनका टारगेट है, वो इस तरह से जो है एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, और ये पॉइंट्स भी ले सकते हैं। जैसे आपने कोई भी लाइव क्लास ली तो 1,250 कॉइन्स आपको मिलेंगे दोस्तों, ये जो कॉइन्स मिलते हैं इनसे आपको डिस्काउंट मिलेगा 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है? तो जितने कॉइन्स इकट्ठे होंगे वैसे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम 20% तक डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आप जो काम करोगे उसी से आपको कॉइन्स मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपका अगला बैच जो शुरू हो रहा है दोस्तों अचीव CDS 2 2024 का, वो 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो ये बैच स्टार्ट आप लोगों का हो रहा है, ये आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। 400 घंटे की क्लासेस होंगी, प्री पोस्ट क्लास एक्टिविटीज होंगी, 30 ई बुक्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं,
ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। CAPF का भी बैच 24 तारीख से शुरू हो रहा है, ये सब बैच हो रहे हैं एमबाई वेब पर। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। 60 मिनट जो एमबाई लाइव क्लास है वो आपका स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकती है 12.62%। तो एमबाई का ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा इन सब चीजों को अगर आपको लेना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद। कीप एम्बाइबिंग।